हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं मीवी कॉलर का वायरलेस ईयरफोन। इसमें फ्रेंड्स दोनों साइड के जो स्पीकर हैं वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको एक साइड का करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि सेम प्रोसेसर है दोनों की तरफ। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, तो प्रॉब्लम यहाँ से हो सकती है, क्योंकि जब हम इसको नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो ये जो है वायर यहाँ से बैंड होती है। तो 99.9% चांस है कि यहीं से वायर ब्रेक हुई होगी, और ऐसा इसलिए है कि ये डिज़ाइन इसका ऐसा ही दे रखा है। तो अगर आप कोई ईयरफोन वायरलेस ईयरफोन ख़रीद रहे हैं और वायर ऊपर की तरफ से है और जो गिराने के बाद ऐसे मुड़ जाती है, तो उसे बिल्कुल मत खरीदिए। और ऐसे बहुत सारे वायरलेस ईयरफोन हैं, जैसे स्कल कैंडी के इंक डे मैथड हैं, और ये मीवी का कॉलर है, बहुत सारे ईयरफोन हैं। आपको ख़रीदने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि वायर जब हम नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए। आजकल जो ईयरफोन्स आ रहे हैं अब वायरलेस ईयरफोन, अब वो नीचे की वायर तरफ से वायर होते हैं, तो ज़्यादा मुड़ते नहीं जब हम उसे नीचे छोड़ देते हैं। क्योंकि बर्ड्स ये देख सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक बर्ड्स होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, जिसकी वजह से वेट पड़ने के कारण ये वायर ब्रेक हो जाती है। क्योंकि वायर ये लोग लोहे की तो डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो डालेंगे तो हार्ड हो जाएगी वायर, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम इसे रिपेयर करते हैं। मैं इस साइड का ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड का एक ही प्रोसीजर है। तो हम ये साइड ओपन करते हैं, क्योंकि ये मेन बोर्ड है, इधर से ही डिफ़िकल्ट होता है सबसे ज़्यादा रिपेयर करना। तो हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं ओपन कैसे होगा ये। यहाँ पे मेरे ख्याल से स्क्रू लगा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। तो हम जो है वायर को यहाँ से कट कर लेंगे, ये लॉक हमें फेंकना नहीं है, इसे हम रीयूज करेंगे। तो इस लॉक का ध्यान रखिए, और बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें लूप बना के लॉक वापसी लगाना है। वायर को स्ट्रिप करके सोल्ड करके उसके बाद हम स्पीकर चेक करेंगे सबसे पहले। स्पीकर को चेक करने के लिए मैं यहाँ कॉन्टिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि स्पीकर ठीक है, हमें यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी यानी लाइट ग्लो हो रही है, और स्पीकर में खटखटाहट की आवाज़ आती है वो भी आ रही है। इसका मतलब प्रॉब्लम थी यहीं कॉर्नर से थी। तो अब जो हमें कुछ करना नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो वायर को खींच के ये लॉक निकाल लेंगे हम।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है लूप बना लिया है, लॉक को भी लगा लिया है। हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब हमें सिर्फ वायर में इस वायर में सोल्ड करनी है वायर। देखिए दोनों वायर्स को हमने सोल्ड कर लिया है, तो वायर को सोल्ड करने के बाद आप इसे ऑन करके चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही होगा और दोनों तरफ का एक ही प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पर ओपनिंग का भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी एक जो है हमें स्क्रू मिलेगा, तो यहाँ पर हम टेप लगा लेंगे दोनों वायर को सेपरेट करके। तो चलिए अब हम इसे पैक कर लेते हैं पूरा। तो देखिए हमने इसे रिपेयर कर लिया है और यही सेम प्रोसीजर इस साइड भी आप यूज़ इस्तेमाल कीजिए, और देखिए बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसको रिपेयर किया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।